We will wait for people to join. Good morning. Good morning. Yali ho. Good morning. Family is not important. Family is everything. Good morning, everyone. I am Sheetal Vadera, parent of DPS East Ahmedabad. I am going to talk with you about family values and its importance in our modern culture. तेजी से चल रहे इस जमाने में हमें अपने बच्चों को फैमिली वैल्यूज के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है. What is a family? फैमिली क्या है? मेरे लिए फैमिली ना तो सिर्फ मेरे पति, मेरा बेटा, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन, मेरे पड़ोसी और मेरे दोस्त नहीं है. मेरे लिए ये पूरा विश्व ही मेरा फैमिली है. हमने बहुत सालों से देखा है, सुना है और महसूस भी किया है. हमारे और वेस्टर्न वर्ल्ड के तौर तरीके बदलते जा रहे हैं. इस बदलते समय में हमें अपने बच्चों को फैमिली वैल्यूज के बारे में इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है. मैं यहाँ पे अपना एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी. जब मैं छोटी थी, भाइयों के साथ खेल रही थी. खेलते खेलते मुझसे खिड़की का कांच टूट गया. कांच के टूटने से डर लगा कि अभी मम्मी डांटेंगे. मम्मी के आने से मैंने झूठ बोला कि कांच मुझसे नहीं टूटा, पर वो बोलते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, उन्हें पता चल ही जाता है. उन्हें ये समझ में आ गया. उन्होंने मुझे बिठाया और प्यार से बोला कि बेटा, कांच का टूटना गलत बात नहीं है, पर आप उसके लिए जो झूठ बोल रहे हो वो सही नहीं है. इससे हम समझ में हमें आता है कि अपना परिवार ही वो है जो हमें सही और गलत रास्ते की पहचान करवाता है. हम आगे बात करेंगे अपने पारिवारिक मूल्य की. पारिवारिक मूल्य क्या है? सदियों से चलते आ रहे इस जमाने में पारिवारिक मूल्य ही ऐसी चीज है जो परिवार के सारे सदस्यों को बांध के रखता है, एक समान रखता है. समय, धर्म और जात के साथ पारिवारिक मूल्य बदल सकता है, पर उनके मूल आधार कभी नहीं बदलते. उनके मूल आधार क्या है ये भी हम आगे जानेंगे. अगर हम उनके मूल आधार पर बात करें तो उनके मूल आधार में सबसे पहले प्रामाणिकता, यानी कि ऑनेस्टी. घर के सारे सदस्य में ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है. सबका प्रामाणिक होना बहुत ज़रूरी है. आपने सुना ही होगा, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. उससे अच्छा है कि हम झूठ का सहारा ही ना लें. दूसरी बात, एक समान मान. घर में जितने भी सदस्य हैं, छोटे बड़े जितने भी सदस्य हैं, हमें सबको एक समान मान देना चाहिए. छोटा बच्चा अगर होता है, उसका भी यही होता है
कि जिस तरह से हम उनसे बात करते हैं उसी तरह से वो हमसे बात करते हैं, वो हम ही से सीखते हैं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। दूसरा, एक समान मूल्य। घर के सारे सदस्य के प्रति एक समान मूल्य होना बहुत जरूरी है। ये आपके घर के परिवार को बांध के रखता है। मेरे घर में 11 साल के बच्चे से लेकर 65 साल के बुजुर्ग रहते हैं। उनके साथ रहते रहते मैं ये तो सीख ही गई हूँ कि छोटों के साथ छोटा बनकर और बड़ों के साथ बड़ा बनकर रहना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद आएगी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी सभी निभाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। एक छोटा सा बच्चा अगर अपने दादा दादी को ये जाके पूछ ले कि दादा दादी आपने दवाई ली, तो उनकी आधी तकलीफें ऐसे ही कम हो जाती हैं। इसीलिए सबका जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करेंगे त्याग और बलिदान की। त्याग और बलिदान ऐसी चीज है जो अगर सबके घर में और सब परिवार में सबके पास हो तो घर परिवार अच्छे से संभल कर चल सकता है। घर के सारे सदस्य, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो या फिर न्यूक्लियर फैमिली हो, दो सदस्य हो या 7-8 सदस्य हो, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। एक ही टाइम पे हम सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, पर हाँ, हम त्याग और बलिदान की भावना रखें तो तकलीफें कम आती है परिवार में। इसीलिए शायद भगवान ने त्याग और बलिदान जैसी चीजें दी हुई है। आगे हम बात करेंगे प्यार और विश्वास की। प्यार और विश्वास परिवार की नींव है। प्यार के लिए कहा जाता है कि परिवार के सारे सदस्य अगर मिलकर प्यार से कोई भी समस्या का सामना करे, कोई भी तकलीफ का सामना करे, तो उस तकलीफ से हम बाहर आ सकते हैं। और बात करें हम अगर विश्वास की, तो विश्वास के लिए तो आपने भी सुना होगा कि विश्वास पूरे विश्व का श्वास है। श्वास के बिना जैसे हम नहीं जी सकते, विश्वास के बिना ऐसे परिवार नहीं जी सकता। परिवार के सारे सदस्यों में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करेंगे कि पारिवारिक मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। मेरे हिसाब से पारिवारिक मूल्य दो प्रकार के होते हैं। पहला, स्वाभाविक मूल्य यानी इंटरनल वैल्यू। स्वाभाविक मूल्य के लिए जो भी हम बचपन से बड़े होते अपने आप सीख जाते हैं, सीखते जाते हैं समय के साथ, उसे हम स्वाभाविक मूल्य कह सकते हैं। और दूसरा, एक्सटर्नल वैल्यू यानी कि बाहर का मूल्य। अपने परिवार के साथ रहकर, अपने आसपास के व्यक्ति के साथ रहकर, अपने दोस्तों के साथ रहकर, अपने समाज के साथ रहकर, अपने स्कूल में रहकर, सबके साथ रहकर हम जो भी सीख सकते हैं, जो भी अपने जीवन में उतार पाते हैं, उसे हम एक्सटर्नल वैल्यू कहते हैं। कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं, माता पिता बोलते हैं कि हमारे घर में कोई जिद्दी नहीं है, कोई गुस्सा वाला नहीं है, फिर भी बच्चों में इतना गुस्सा क्यों है, इतनी जिद क्यों है। हम ये कह सकते हैं कि वो इनकी इंटरनल वैल्यू है। अगर हम उनकी एक्सटर्नल वैल्यू में परिवर्तन ला पाए, यानी कि उनकी आसपास की और बाहर की परिवारजनों की
साथ सहकार से उनकी बाहर की मूल्य में सुधार ला पाए तो हम उनकी इंटरनल वैल्यू भी बदल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पारिवारिक मूल्य किन किन जगह से हमें मिलता है। तो जब तक मैं जानती हूँ तब तक पारिवारिक वैल्यू फैमिली वैल्यू पारिवारिक मूल्य हमें सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलता है। हम जहाँ जन्म लेते हैं हम वहाँ संस्कार पाते हैं। हम जहाँ खेल कूद कर बड़े होते हैं, ठोकर भी खाते हैं फिर संभल जाते हैं, वहीं से हमें फैमिली वैल्यूज मिलती हैं। जिस परिवार में हम बचपन से लेकर अंत तक बड़े होते हैं वही हमें सही गलत का पता समझाते हैं। दूसरी जगह जिसे हम स्कूल के नाम से जाने जानते हैं, स्कूल के बारे में आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है कि स्कूल इज अवर सेकंड होम एंड टीचर्स आर अवर सेकंड पेरेंट्स। तो ये बात बहुत सही बताई है क्योंकि बचपन से लेकर बच्चों को ले लो या फिर हमें भी ले लो, सभी लोग अपना पूरा बचपन अपनी स्कूल में निकालते हैं, टीचर्स के साथ बिताते हैं। वहाँ से जो हमें ज्ञान दिया जाता है, वहाँ से जो हमें सिखाया जाता है, वो भी हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़रूरी है। उनको साथ लेकर हम अपना फ्यूचर बनाते हैं और अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए स्कूल को अपना दूसरा घर माना जाता है और टीचर्स को अपने दूसरे माता पिता। ये बहुत ही सही बात है। आगे हम बात करेंगे समाज यानी कि सामाजिक मूल्य, ये भी बहुत ज़रूरी है। समाज के बोझ के तले अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बांध के रखता है तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बच्चा उभर कर बाहर नहीं आ सकता। उसकी जो खूबियां है वो उसके अंदर ही रह जाती है। इसीलिए समाज से ऊपर हम सबको अपने बच्चों की इच्छाओं को रखना बहुत ज़रूरी है। समाज साथ चलता है पर परिवार जब तक साथ निभाता है उससे आगे कुछ नहीं। अभी मैं और एक बात बताना चाहूँगी, मॉडर्न वर्ल्ड में हम अपनी फैमिली वैल्यूज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसका मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आपको ये बात बतानी चाहूँगी। एक छोटा बच्चा था, उसने पतंग को उड़ते हुए देखा। उसने उसके पापा से कहा कि मुझे भी पतंग चाहिए। दूसरे ही दिन पापा ने पतंग और रस्सी लाके दी। बेटे ने पतंग ऊपर उड़ाई, पतंग ऊपर गई। आगे उसने बहुत प्रयत्न किया पर पतंग आगे नहीं जा पाई। उसने उसके पापा से कहा, पापा रस्सी काट दो क्योंकि रस्सी की वजह से पतंग ऊपर नहीं जा रही। पापा ने कुछ भी बोले बगैर रस्सी काट दी। रस्सी के काटने से ही पतंग नीचे आ गिरी। सारे बच्चे उस छोटे बच्चे की तरह है। उनको लगता है कि उनकी फैमिली, उनका समाज उन्हें उस रस्सी की तरह बांध के रखता है। पर बच्चों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी फैमिली, उनके परिवार के सदस्य उन्हें रस्सी की तरह बांध के इसीलिए रखते हैं क्योंकि
वो इतने ऊपर जाए पर बांध के रखने पर कभी नीचे ना गिरे और तभी उनको सक्सेस मिलेगी। इसीलिए मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस मॉडर्न कल्चर में हम फैमिली वैल्यूज के साथ, अपने पारिवारिक मूल्य के साथ आगे चल सकते हैं। अगर रामायण में राम भगवान पारिवारिक मूल्य के लिए 14 साल वनवास गए, भरत जी ने 14 साल उनके राह में निकाले और सीता जी भगवान होते भी उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, अगर उन समय पर भगवान पारिवारिक मूल्य के साथ चल सकते हैं तो इस समय पर हम क्यों नहीं और हमारे बच्चे क्यों नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को बांध के रखें या किसी भी बंधन में रखें। ये कभी भी मत भूलना कि आपके बच्चे आपकी परछाई है, आपका आईना है। आगे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि कभी भी आप अपने लिए परिवार नहीं चुनते, अपने लिए आप परिवार नहीं चुनते, ईश्वर ही है जो आपके लिए परिवार चुनता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।